अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से, मैं हूँ उमर बाजवा और आज हम बहरिया टाउन के सबसे प्राइम लोकेशन प्रेसिडेंट 2 के अपार्टमेंट्स पे मौजूद हैं। ये बहरिया टाउन की सबसे पहली बिल्टअप प्रॉपर्टी है जो बहरिया ने अपने कस्टमर्स को जो है वो डिलीवर की है। लोकेशन बिल्कुल बहरिया मेन एंट्रेंस के राइट साइड पर इसकी लोकेशन शुरू हो जाती है। टोटल इसमें 26 टावर्स हैं जिनमें से सिर्फ 2 का पोजीशन जो है वो देना बाकी है, बाकी जो 24 टावर्स हैं उनका पोजीशन हैंडओवर कर दिया गया है। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 90% जो है ऑक्यूपाइड अपार्टमेंट्स हैं मुकम्मल लाइफस्टाइल के साथ। और इसमें हमें जो कैटेगरी है वो 2 बेडरूम की, 3 बेडरूम की और 4 बेडरूम की जो कैटेगरी है वो देखने को मिलती है। अगर सिक्योरिटी वाइज देखा जाए इसको तो ये मोस्ट सिक्योर एरिया है बहरिया टाउन कराची का। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे फैमिलीज़ को सिक्योर करने के लिए अलग अलग टावर में अलग अलग सिक्योरिटी रूम्स जो हैं वो दिए गए हैं। मतलब अगर आप ओवरसीज़ हैं या आप फैमिली को यहाँ पर शिफ्ट करना चाह रहे हैं और ख़ुद आपका सिटी से बाहर या आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री आपका बिज़नेस है या काम है तो आपको सिक्योरिटी वाइज बिल्कुल वरी होने की उसमें नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें मस्जिद दी गई है, मस्जिद के साथ ही इसका गैलरी एरिया है जहाँ पे हमें ज़रूरियात की सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। 2 बेडरूम की कैटेगरी आप कह सकते हैं कि इसमें जो टोटल 26 टावर्स हैं इनमें 80-90% जो हैं वो 2 बेड के अपार्टमेंट दिए गए हैं। ग्राउंड प्लस 6 स्टोरी ये टावर्स हैं। इनकी कुछ टावर्स जो हैं वो बिल्कुल जिना मेन जिना एवेन्यू के ऊपर हैं जो 400 फीट वाइड रोड है। और इसी तरह अगर इसकी दूसरी लोकेशन जहाँ पे हॉस्पिटल है और इसकी मस्जिद गैलरी वगैरह वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन आप कह सकते हैं जिन टावर्स में है वो गैलरी की सराउंडिंग में सबसे ज़्यादा लोग रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी को अगर देखा जाए तो कमर्शियल एक्टिविटी के हवाले से ये एक अच्छी ऑप्शन है। इसी तरह यहाँ पे जो इस 2 बेडरूम की प्राइस है, अगर आप वैसे किसी प्राइवेट प्रोजेक्ट में बाय करते हैं अपार्टमेंट तो उसको कंपैरिजन करें इसके साथ तो इसकी प्राइस उससे मुनासिब है। एक तो ये आपको फुली पोजेशन एरिया में आपको अपार्टमेंट मिल रहा है, दूसरा इसकी प्राइस अगर देखें तो हमें 1 करोड़ रुपया की एवरेज प्राइस में 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक हमें एक अच्छा अपार्टमेंट जो है वो देखने को मिलता है। और अगर इसकी दूसरी कैटेगरी में जाएं 3 बेडरूम है तो 3 बेडरूम के 3 टावर्स दिए गए हैं, टावर 3 है और टावर 6 और 7 है, टावर 8 में 4 बेडरूम है, टावर 4 बेडरूम का सिर्फ 1 टावर दिया गया है। इस टाइम हम मौजूद हैं इसकी मेन एंट्रेंस पे और हमारा जो कैमरा है वो बिल्कुल इसकी एंट्रेंस पे है। सराउंडिंग में इसका प्रेसेंट रोड अगर क्रॉस करें तो प्रेसेंट 1 है, प्रेसेंट 2 है, कायद इकबाल विलाज हैं, हॉस्पिटल बिल्कुल करीब है इसके, और मतलब आप कह सकते हैं हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ है ये, तो स्कूल करीब है, कमर्शियल एरिया करीब है। मेन एंट्रेंस से आप कह सकते हैं कोई 500 मीटर जो है इसका डिस्टेंस है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ रेंट पे लेना चाहें तो रेंटल जो यहाँ पे ऑप्शन है हमें 30-35,000 में 2 बेडरूम का अपार्टमेंट मिल जाता है। अगर 3 बेड की कैटेगरी की बात करें तो वो हमें अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 50-60,000 और इसी तरह 4 बेडरूम जो है वो हमें कोई 70-80,000 जो है वो रेंट पे मिल जाता है। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टेक्ट करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।